हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के साथ मैं अनुराधा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अनुविश यूट्यूब हिंदी चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दृष्टांत अलंकार, विभावना अलंकार और प्रतीप अलंकार। इन तीनों अलंकारों के बारे में इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल के पुराने व्यूअर हैं तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो अगर आप हिंदी का पूरा कोर्स करना चाहते हैं और साथ ही साथ टेक्निकल वीडियोस, कंप्यूटर, मोबाइल और एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे दृष्टांत अलंकार। तो आइए इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं सबसे पहले कि दृष्टांत अलंकार की परिभाषा क्या होती है। तो देख सकते हैं, जहाँ पर बिंब प्रतिबिंब का भाव एवं सुधरने का कारण हो वहां दृष्टांत अलंकार होता है। इस अलंकार में उपमेय रूप में कही गई बात से मिलती जुलती बात उपमान रूप में दूसरे वाक्य में होती है। इसका मतलब ये है कि दृष्टांत अलंकार में होता क्या है, तो जहाँ पर बिंब प्रतिबिंब का भाव उत्पन्न हो, जिस भी वाक्य में बिंब प्रतिबिंब का भाव उत्पन्न हो और वहाँ पे सुधरने का कारण हो, वहाँ पे दृष्टांत अलंकार होता है। और दोस्तों, दूसरी बात क्या है कि इसमें जो है दो शब्द यूज होता है, उपमेय और उपमान। होता क्या है कि पहली वाली जो बात कही गई होती है, जैसे पहली लाइन में जो बात कही गई होती है उपमेय रूप में, उसी से मिलती जुलती बात जो होती है दूसरी लाइन में यानी कि दूसरे वाक्य में उपमान के रूप में कही जाती है, तो वहां पे होता है दृष्टांत अलंकार। यानी कि इसमें मेन बात ये है कि जहाँ पे बिंब प्रतिबिंब का भाव उत्पन्न होता है और वहां पे सुधरने का कारण भी होता है, तो वहां पे होता है दृष्टांत अलंकार। तो आइए अब हम इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा उदाहरण है, सठ सुधरही सतसंगति पाई, पारस परस कुघात सुहाई। तो अगर हम इसका अर्थ देखें यहाँ पे, तो इसका अर्थ होगा कि जिस प्रकार से पारस के संपर्क में लोहा आके सुहावना हो जाता है, उसी प्रकार दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति भी सत्संगति से सुधर जाता है। यानी कि अगर कोई दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है तो अगर वो अच्छे संगति वालों के साथ रह रहा है, सत्संगति के साथ रह रहा है, तो वो जो है सुधर सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें सुधरना बताया गया है, यानी कि सुधरने का कारण इसमें बताया गया है, तो यहाँ पे होगा दृष्टांत अलंकार। तो जैसे मान लीजिए दोस्तों कि अगर आपको इस उदाहरण में समझ में ना आया हो कि दृष्टांत अलंकार कैसे है, तो जैसे मान लीजिए कि अगर हम इसे व्यवहार में अगर लें, व्यवहार में समझें, तो अगर हम अपने को ही लेते हैं, तो मान लीजिए कि हमारा जो व्यवहार है वो अच्छा नहीं है, हमारी एक बुरी आदत है कि किसी को भी मार देना। मान लीजिए, सपोज दैट, वैसे मारते नहीं है, बहुत कम मारते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि हमारी एक बुरी आदत है कि हम किसी को भी मार देते हैं, यानी कि ये प्रवृत्ति जो है हमारी अच्छी नहीं है, ये बुरी है। मान लीजिए कि अगर हमारा कोई फ्रेंड है वो बहुत ही अच्छा है, उसकी प्रवृत्ति, उसका नेचर बहुत ही अच्छा है और हम उसके साथ रह रहे हैं, यानी कि उसके साथ हमेशा रह रहे हैं, उसकी संगति में है, तो धीरे 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 क्या होगा कि ये जो हमारी बुरी आदत है मारने वाली, किसी को भी तुरंत मार देना, तो उसके साथ रह के हमारी जितनी भी बुरी आदतें रहेगी वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, क्योंकि हम जो है अच्छी संगति वालों के साथ रह रहे हैं, उसकी जो आदत है वो अच्छी है, उसका नेचर अच्छा है, मतलब वो बहुत ही अच्छा आदमी है और हम उसके साथ रह रहे हैं, उसके साथ हमेशा रह रहे हैं, यानी कि अच्छी संगति के साथ रह रहे हैं। तो इस तरीके से होगा क्या कि हमारी जितनी भी बुरी आदतें रहेंगी वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, यानी कि हम जो है पूरी तरीके से सुधर जाएंगे उसकी संगति में रहते रहते। तो इसी तरीके से यही बात इस उदाहरण में भी कही गई है कि जिस प्रकार पारस के संपर्क में आके लोहा सुहावना हो जाता है, तो उसी प्रकार दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति भी सत्संगति से सुधर जाता है। तो दोस्तों, दृष्टांत अलंकार का एक और उदाहरण हम समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक उदाहरण है, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहा गया है कि जिस प्रकार एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं, यह असंभव है, तो उसी प्रकार अगर कोई स्त्री किसी और से प्रेम करती है
तो वो अपने पति का क्या सह सकती है, यानी कि वो अपने पति से कैसे खुश रह सकती है, वो अपने पति को कैसे खुश रख सकती है, और या तो वो अपने पति से कैसे खुश रह सकती है, यानी कि ये भी काम बिल्कुल असंभव सा है और ये भी काम बिल्कुल असंभव सा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। तो दृष्टांत अलंकार में कहा क्या गया था कि पहले वाले वाक्य में उपमेय के रूप में जो बात कही गई होगी उसी से मिलती जुलती बात दूसरे वाक्य में उपमान के रूप में कही जाएगी। तो देखिए यहाँ पे वही बात कही गई है कि जिस प्रकार से एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, ये बिल्कुल असंभव सा है। सेम इसी से मिलती जुलती बात इसमें भी कही गई है कि अगर कोई प्रेमी किसी और सेम वही बातें इसमें भी कही गई है कि अगर कोई स्त्री किसी और से प्रेम करती है तो वो अपने पति को कैसे सह सकती है, यानी कि ये दोनों ही काम बिल्कुल असंभव सा है। तो ये रहा हमारा दृष्टांत अलंकार। तो अब हम चलते हैं अपने अगले अलंकार की तरफ। तो अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट अलंकार है विभावना अलंकार। विभावना अलंकार क्या होता है, तो इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं सबसे पहले। तो जहाँ कारण के बिना ही कार्य हो जाए वहां पर विभावना अलंकार होता है। मतलब सिंपल सी बात है कि जहाँ पे बिना कारण के ही कोई कार्य हो जाए तो वहां पे होता है विभावना अलंकार। जैसे इसका उदाहरण हम देख लेते हैं, बिनुपग चले सुने बिनुकाना कर बिनु कर्म करे विधि नाना। अगर हम इसका अर्थ देखें तो इसका अर्थ होगा कि बिना पैर के चलना और बिना कान के सुनना और कर बिनु कर्म करे विधि नाना, यानी कि बिना हाथ के ही नाना प्रकार के कार्य करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें कहा क्या गया है कि बिना पैर के ही चलना और बिना कान के सुनना और बिना हाथ के ही नाना प्रकार के, यानी कि अलग अलग प्रकार के काम करना। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिना किसी कारण के ही कार्य हो जा रहा है, कोई कारण है ही नहीं कार्य करने के लिए, फिर भी कार्य हो जा रहा है। तो इस तरीके से जो है इस वाक्य में विभावना अलंकार होगा। उसके बाद चलिए अगले अलंकार की तरफ चलते हैं। तो अब हमारा अगला अलंकार है प्रतीप अलंकार। इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं सबसे पहले। तो प्रतीप का अर्थ है उल्टा, यह उपमा का उल्टा होता है। इस अलंकार में उपमेय को बड़ा और उपमान को छोटा कर दिया जाता है। मतलब यहाँ पे कहा क्या गया है, तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे जो प्रतीप है ये अलंकार, प्रतीप अलंकार, तो प्रतीप शब्द का अर्थ क्या होता है, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है उल्टा। उसके बाद यह जो है उपमा का उल्टा होता है, यानी कि उपमा अलंकार का अपोजिट अलंकार, यानी कि उसका उल्टा अलंकार जो होता है प्रतीप अलंकार होता है। इस अलंकार में उपमेय को बड़ा और उपमान को छोटा कर दिया जाता है, यानी कि प्रतीप अलंकार में भी उपमेय आएगा और उपमान आएगा, लेकिन इसमें होगा क्या कि उपमेय को बड़ा माना जाएगा और उपमान को छोटा माना जाएगा। और वो कैसे माना जाएगा, तो आइए हम आगे समझते हैं। और उसके बाद यहाँ पे है उपमान को छोटा करने के लिए दीनहीन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि अभी हमने बात की कि उपमेय को बड़ा कर दिया जाता है और उपमान को छोटा कर दिया जाता है। तो यहाँ पे अब आप ये मत समझिएगा कि उपमेय को खींच के बड़ा कर देंगे और उपमान को जो है दबा के छोटा कर देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे छोटा बड़ा का मतलब ये है कि उपमेय और उपमान, इसमें जो उपमेय होगा उसको बड़ा करने का मतलब ये होगा कि उसका जो स्थान है वो उपमान से बड़ा होगा, और उपमान को छोटा करने का मतलब कि जो भी उपमान शब्द आएगा उसको दीनहीन शब्दों का यूज करके उपमेय से छोटा माना जाएगा। तो यहाँ पे इसका अर्थ यही होगा कि उपमेय को बड़ा और उपमान को दीनहीन शब्दों का प्रयोग करके छोटा कर दिया जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि दीनहीन शब्द आखिर होता क्या है, कैसे हम समझेंगे कि यहाँ पे दीनहीन शब्दों का प्रयोग किया गया है, उपमान छोटा है कि बड़ा है, उपमेय छोटा है कि बड़ा है। तो यहाँ पे दोस्तों होता क्या है कि उपमान को छोटा करने के लिए जो दीनहीन शब्दों का यूज किया जाता है, तो यहाँ पे दोस्तों दीनहीन शब्दों में वो आ जाएगा जैसे किसी को लज्जित करना या फिर पराजित करना, या फिर दीनहीन शब्दों में जैसे कि किसी को गरीब कहना, बहुत ही लाचार बताना, ये सारे वर्ड जितने भी होते हैं, इस टाइप के जितने भी भाव आएंगे वो सब आपके दीनहीन शब्दों के अंतर्गत आएंगे। तो चलिए इसका उदाहरण हम देख लेते हैं और भी हमें क्लियर हो जाएगा।
तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हमारा उदाहरण है सियमुख समता क्यों करे चंद वापुरु रंक। इसमें जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो सियमुख है यानी कि सीता का मुख सियमुख ये इस वाक्य में उपमेय है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो चंद वर्ड है चंद जो है यहाँ पे उपमान है यानी कि सीता के मुख की तुलना चंद्र से की गई है। तो यहाँ पे चंद्रमा जो है यानी जो चंद्र है ये उपमान होगा और यहाँ पे तुलना किसकी की गई है तो सियमुख यानी कि सीता के मुख की। तो सियमुख जो वर्ड है ये यहाँ पे उपमेय होगा। उसके बाद अब यहाँ पे दीनहीन शब्द कौन है कैसे हम समझेंगे कि इसमें प्रतीप अलंकार है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो वापुरो शब्द है वापुरो जो है दीनहीन शब्द में आता है। ये वापुरो जो है ये लाचारी को प्रकट करता है गरीब एक बेचारा वर्ड है ये वापुरो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रंक शब्द है ये भी रंक मतलब होता है गरीब तो ये भी एक दीनहीन शब्द है जो कि चंद्रमा के लिए प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे बताया गया है कि सीता के मुख की तुलना बेचारा गरीब चंद्रमा क्या करेगा। तो यहाँ पे चंद्रमा को दीनहीन बताया गया है बेचारा गरीब इसको बताया गया है। तो इस तरीके से इस वाक्य में जो है प्रतीप अलंकार होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों एक लाइक और शेयर जरूर कीजिए क्योंकि दोस्तों आपका लाइक और शेयर ही हमारे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट बनता है। तो चलते हैं दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।